हाय फ्रेंड्स, आज हम कलरफुल स्वीट रोज बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक चम्मच मोमन डालेंगे। मोमन अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना कि एक मठरी बनाने में लगता है उतना ही मोमन डालेंगे। मोमन इतना होना चाहिए कि हमारे इस तरह से लड्डू बनने लगे। ये चाशनी ली है और इसमें लाल रंग डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक मुलायम आटा तैयार करेंगे मठरी के जैसे। देखिए इस तरह से गूंदेंगे। डो हमारा रेडी है। अब हम ऐसे ही 2 और डो लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ये हमने दूसरा भाग लिया है। अब हम इसमें मोमन डालेंगे। मैं घी का मोमन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल का भी मोमन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऑरेंज कलर की चाशनी डालेंगे। आपके पास जो कलर हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 3 कलर की बनानी है। मैं 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास 2 हो तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डो भी तैयार है। अब हम ऐसे ही तीसरा डो भी तैयार कर लेंगे। ये तीसरा डो भी बन के तैयार है। हम इसे भी 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो एकदम तैयार है। अब हम इसको लेके गोल बेलेंगे। ये हमने बेल ली है। अब हम इसको गिलास या किसी भी किनारी वाली चीज़ से ऐसे गोल काट लेंगे। ये हमने इस तरीके से काट लिए और इसकी कटिंग अलग रख दी है। अब हम इसे भी गोल काट लेंगे। ये गोल काट के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे अलग रख देंगे। अब हम तीस तरह से काट लेंगे। ये हमने तैयार कर लिए। हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। ये रोल कर लिया है। अब हम इसको ऐसे बीच में से काट लेंगे। देखिए अब इसको इस तरह से हम इस तरह से भी सेट करके बना सकते हैं। इस पे अच्छे से पानी लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। रोल करेंगे। देखिए इसकी किनारियों पे अच्छे से पानी लगा के चिपका देंगे। इसको अच्छे से दबाएंगे जिससे ये हमारा खुले नहीं। अच्छे से दबाने के बाद इसे काट लेंगे और फिर इसकी पत्तियों को इस तरह से हल्के हाथ से
तरह से फैला लेंगे, जिससे कि ये एक रोज़ की शेप में आ जाएगा और बनके बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए, ये हमने सारे रोज़ेस बना लिए हैं। अब हम इसको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है फ्राई करने के लिए, इसे हम गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके इसे डालेंगे। ये सारे हमने तेल में डाल दिए हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे सिक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इसके ऊपर जो चाशनी थी उसको डाल लेंगे। ये थोड़े और मीठे हो जाएं, जिससे कि इसमें मिठास और बढ़ जाएगी। और अगर आपको हल्के मीठा ही पसंद है तो आप बिना चाशनी के ऐसे भी खा सकते हैं। आधे घंटे तक चाशनी में डुबोने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारी एकदम रेडी है।